संविदा कर्मी की मौत के आरोप में जेई और एसएसओ के खिलाफ केस दर्ज। जेई और एसएसओ के निर्देश पर बाधित विद्युत आपूर्ति चालू कराने गए थे संविदा कर्मी। विद्युत निगम के संविदा कर्मी के मौत के मामले में मृतक संविदा कर्मी के भाई की तहरीर पर अलीग विद्युत सब स्टेशन के जेई और एसएसओ के खिलाफ संगीन धाराओं में गोवर्धन पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। मृतक संविदा कर्मी के भाई पप्पू पुत्र नवल सिंह द्वारा गोवर्धन थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात 9 बजे संविदा कर्मी दिनेश और मुकेश अलीग सब स्टेशन के जेई एसएसओ के निर्देश पर अलीग की बाधित विद्युत सप्लाई ट्रांसफार्मर से चालू कराने गए थे। आरोप है कि दिनेश और मुकेश ने आदर्श इंटर कॉलेज के समीप ट्रांसफार्मर से फॉल्ट सही करने के लिए जेई और एसएसओ से शटडाउन लिया था। शटडाउन वापस किए बिना ही विद्युत सप्लाई शुरू कर दी। इससे दिनेश और मुकेश कट की चपेट में आ गए। दिनेश की मौत हो गई, मुकेश अस्पताल में भर्ती है। दिनेश के भाई पप्पू ने गोवर्धन थाने में तहरीर देकर जेई और एसएसओ के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। ओम हरि वाजपेयी थाना प्रभारी गोवर्धन ने बताया मृतक संविदा कर्मी के भाई की तहरीर पर जेई और एसएसओ के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।